करीब एक शताब्दी पहले वर्ष 1918 में स्पेनिश फ्लू ने सारी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था और करोड़ों लोगों की जान चली गई थी। उस समय भारत में भी अनेक लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए थे। सिरमौर जिले के नाहन में भी इस बीमारी का असर देखने को मिला था और गोरखा समुदाय के लोगों ने नाहन में संसारी माता मंदिर की स्थापना की थी। मान्यता है कि संसारी माता ने उस समय नाहन वासियों को स्पेनिश फ्लू से निजात दिलाई थी। एक शताब्दी बाद नाहन के लोगों ने एक बार फिर संसारी माता की शरण ली है ताकि संसार को कोरोना महामारी से मुक्ति मिल सके। आज से 100 साल पहले जो यहाँ पर महामारी फैली थी 1918-1919 में, तब इंदर सिंह गुरंग जी ने यहाँ पर एक पत्थर शिला रख करके और प्रार्थना की ताकि वो बीमारी दूर दूर तक ख़त्म हो जाए। तो नेक्स्ट ईयर जब ख़त्म हो गया तब इनका नाम संसारी देवी रखा गया है। यानी कि कल वार्षिक पूजा होती है तो कल भी हमने मंदिर कमेटी ने यहाँ पर पूजा अर्चना करी और प्रार्थना की देवी से कि भाई ये पूरा महामारी जो चला हुआ है कोरोना वायरस पूरे संसार से बहुत जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हिमाचल प्रदेश के लोगों की देवी देवताओं में प्रगाढ़ आस्था है और डॉक्टरी इलाज के साथ साथ यहाँ के लोग बीमारी से निजात पाने के लिए देवी देवताओं की शरण लेते रहे हैं। नाहनवासी इन दिनों माता संसारी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरा संसार जल्द ही कोरोना से मुक्त हो जाए। मंदिर कमेटी के लोगों ने इस पूजा अर्चना को किया और माता से प्रार्थना की कि जिस प्रकार 1919 में स्पेनिश फ्लू को बढ़ने से यहाँ पर रोका गया, उसी प्रकार कोरोना महामारी को भी जल्द से जल्द ख़त्म करें। ये जो कोरोना चला हुआ है ये दूर हो, किसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से जाए, दूसरे पूरे भारतवर्ष से जाए, हिमाचल प्रदेश से जाए, तो उसके लिए जो है ना प्रार्थना की गई है। दुनिया के सभी ताकतवर देश कोरोना के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं और उन्हें दुनिया में कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने देवी देवताओं का आसरा ले लिया है। नाहन से डीडी न्यूज के लिए जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।